أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم MCS second semester Micro Computer Communication and Networks के lecture number 3 में खुश आमदीद। लास्ट सेक्शन में हमने डेटा कम्युनिकेशन का ओवरऑल एक स्केच लिया था, अच्छे कंपोनेंट्स पढ़े थे, डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि जो कम्युनिकेशन के दौरान जो डेटा होता है वो किस तरह का होता है। उसके बाद डेटा फ्लो में हमने देखा था सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये चीजें देखी थी। आज हम देखते हैं कि नेटवर्क क्या है, नेटवर्क में क्या क्राइटेरिया होता है नेटवर्क को जांचने का। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिसमें हम टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो टर्म्स हैं बड़ी मशहूर लैन, वैन, इनको जानेंगे। स्विचिंग को देखेंगे, इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत हम जानेंगे। तो ये शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जी नेटवर्क क्राइटेरिया पे। लास्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर खत्म किया था हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स पढ़ने के बाद, फिर हमने ओवरऑल एक स्केच लिया था। आज हम देखते हैं नेटवर्क से क्या मुराद है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं शेयर करूँ, नेटवर्क्स इंटरकनेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, नेटवर्क हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो आपस में कनेक्ट तो होती हैं लेकिन वो इस काबिल हो कि आपस में कम्युनिकेशन कर सके, कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन के काबिल जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं उन्हें आप उस सारी चीज को नेटवर्क कहते हैं। अब इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं या एंड सिस्टम भी इसको कहा जाता है। जो सारे सिस्टम जो डिवाइसेस में इन्वॉल्व हैं, डिवाइसेस से मुराद यहाँ पे अगर आप जो कंप्यूटर है उसे हम होस्ट कहेंगे। अच्छा, कोई लार्ज कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्टेशन, जो चीजें हैं, कोई सेलुलर फोन है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वो सारा होस्ट कहलाएगा। अ डिवाइसेस इन दिस डेफिनेशन कैन आल्सो बी कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज राउटर। अच्छा, ये कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी कंप्यूटर या एंड डिवाइसेस के अलावा जिनका काम कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना होता है, कम्युनिकेशन के काबिल बनाना होता है कंप्यूटर्स को, वो जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। इनमें हमारे पास स्विचेस, राउटर्स और ये हब। हमारे घरों में अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं वो ज़्यादातर उसे हब या स्विच या राउटर कहा जाता है। ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं, इनकी इनके अंदर क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दीज डिवाइसेस इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अब ये जो डिवाइसेस होती हैं ये किसी ना किसी मीडिया के थ्रू या वो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। अगर आपके घर में DSL लगा हुआ है और वाईफाई राउटर लगा हुआ है तो आपके जो मोबाइल हैं वो वायरलेस उससे कनेक्टेड हैं, आप थ्रू वायर्ड भी अपने लैपटॉप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो घरों में होता है प्लग एंड प्ले, एक राउटर लगा होता है, आपको उस पर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती, बल्कि जिस भी कंपनी से आपने DSL लिया हुआ है, चाहे वो SCO है या कोई और प्राइवेट कंपनी है, तो वो आपको उसको कॉन्फ़िगर करके दे देते हैं। जस्ट आप उसको अपने घर में ऑन करते हैं और उसका यूजर नेम और पासवर्ड उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो ये जो चीज़ बनती है इसे हम नेटवर्क कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो ये नेटवर्क कहलाता है। अब नेटवर्क क्राइटेरिया से क्या मुराद है कि कोई भी जो नेटवर्क है उसको क्या क्या चीज़ें लाजमी तौर पर करनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये एक अच्छा नेटवर्क है। मीट सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीज आर परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तीन चीज़ें किसी भी नेटवर्क में लाजमी होनी चाहिए तब हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेहतर नेटवर्क है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो परफॉर्मेंस है।
फिर रिलायबिलिटी और फिर सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। परफॉर्मेंस को दो चीजों के साथ मेजर किया जाता है, ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम। ट्रांजिट टाइम से मुराद ये होती है कि जब एक डिवाइस या एक होस्ट से एक मैसेज गया और वो दूसरी साइट पर पहुंचा, अब ये जो टाइम लगा, ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक मैसेज का पहुंचना, इसको जितना टाइम लगता है इसे ट्रांजिट टाइम कहा जाता है। और परफॉर्मेंस इसी से मेजर की जाती है कि इसका ट्रांजिट टाइम कितना है। दूसरी चीज इसमें होती है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इज इलैप्स्ड टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड रिस्पॉन्स। इंक्वायरी और रिस्पॉन्स में जो वक्त सर्फ होता है उसको रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। इससे मुराद क्या है कि आपने एक इंक्वायरी की और उसके ऊपर आपको वापस रिस्पॉन्स मिला। मिसाल के तौर पर आपने अपने कंप्यूटर से लिखा www.google.com, ये रिक्वेस्ट आपकी गई, वापस आपको रिस्पॉन्स मिला, आपके ब्राउजर पे वो पेज ओपन हुआ, दिस इज रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, ये दोनों चीजें मिलकर क्या करती है? परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। ये जितना कम होगा, जितने कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रेवल होगा या रिस्पॉन्स टाइम जितना कम होगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। द परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ यूजर्स। अब ये जो चीजें होती हैं, इसमें जो मजीद चीजें हो सकती हैं उनमें क्या जी, नंबर ऑफ यूजर्स। अब अगर आप अपने घर में अकेले इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई ओल्ड डिवाइस कनेक्ट नहीं है, तो उसकी स्पीड अच्छी होगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े से बढ़ जाए, नंबर ऑफ यूजर्स अगर आ जाते हैं, तो वो आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो, उसकी परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम आप कौन सा यूज करें, द कैपेबिलिटी ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर एंड द एफिशिएंसी ऑफ साउंड। अब जो ट्रांसमिशन मीडियम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है, ये भी परफॉर्मेंस, ये भी आपकी स्पीड बताएगी, परफॉर्मेंस इस पर डिपेंड करती है। फिर कैपेबिलिटीज ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर, जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो कितनी डिवाइसेस को, वो कितनी स्पीड को सपोर्ट कर रहा है। इसमें जो एक और चीज होती है, परफॉर्मेंस ऑफन इवैल्यूएटेड बाय टू नेटवर्किंग मैट्रिक्स, एक होती है थ्रूपुट और एक डिले। दो चीजें होती हैं जो आपकी, जिससे परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। वी ऑफन नीड मोर थ्रूपुट एंड लेस डिले। हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा थ्रूपुट ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी ट्रैफिक जाए और डिले कम हो। बहरहाल ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। अगर आपकी थ्रूपुट ज्यादा करेंगे तो आपका डिले ज्यादा होने का चांस है, क्यों, उससे जब आपकी थ्रूपुट ज्यादा होती है तो ट्रैफिक ज्यादा हो जाती है, कंजेशन हो जाती है आपके नेटवर्क पे और डिले उससे बढ़ना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट परफॉर्मेंस में क्या है कि अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो परफॉर्मेंस अगर किसी नेटवर्क की अच्छी है तो हम कहेंगे कि एक अच्छा नेटवर्क है। दूसरी चीज होती है जी रिलायबिलिटी। इन एडिशन टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी, नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, द टाइम इट टेक्स। अब होता क्या है, लाजमी बात है कि आपका जो नेटवर्क चल रहा है वो कभी ना कभी डाउन होगा, किसी न किसी वजह से लाइट चली गई, बीच में कोई बहुत ज्यादा कंजेशन हो गई, कोई लूप बन जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका नेटवर्क फेल हो जाता है। अब नेटवर्क फेल होने के बाद ये क्या चांस है कि वो वापस कितनी जल्दी ठीक होता है, दिस इज रिलायबिलिटी। अब यह है कि हमारे लाइट चली जाती है और पता नहीं कब आएगी, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, पता है कि इतने बजे गई और इतने बजे आनी आनी है, दिस इज रिलायबिलिटी। तो नेटवर्क में जो फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर है वो जितना कम होगा, उसने जितने कम वक्त में वो नेटवर्क को रिकवर करेगा फेलियर, नेटवर्क्स रोबस्टनेस इन अ कैटास्ट्रोफी, कि अगर आपका नेटवर्क तबाह हो जाता है वो कितनी जल्दी उसको दोबारा से कायम कर लेता है, दोबारा से उसको रिकवर कर लेता है, तो ये क्या चीज कहलाती है, रिलायबिलिटी। दूसरी चीज ये है कि नेटवर्क में अगर किसी भी वजह से फेलियर आ जाए तो वो कितनी जल्दी ठीक हो जाता है, ये दूसरी इसका दूसरा इसका क्राइटेरिया है नेटवर्क। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी। अगर आपके नेटवर्क में सिक्योरिटी नहीं है तो वो बहुत ही लूज किस्म का नेटवर्क है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यू इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस,
डेटा को प्रोटेक्ट करना कि कोई उसको अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस ना कर सके, प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज इन डेवलपमेंट, उसको डैमेज होने से बचाना, बैकअप प्रॉपर लेना, एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर रिकवरी. अगर डेटा खुदा ना खास्ता डैमेज हो जाता है तो उसको वापस कैसे रिकवर करना है, या वो ब्रीच हो जाता है, किसी ने चोरी कर लिया, हैक कर लिया, उसको दोबारा किस तरह से रिकवर करना, ये सिक्योरिटी है. तो ये तीन चीजें होती हैं नेटवर्क की क्राइटेरिया में अच्छे नेटवर्क को समझने के लिए. अगला जो टॉपिक है वो फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आ जाता है. इससे पहले कि आप नेटवर्क को मज़ीद डिस्कस करें, दो चीजें हम कनेक्शन के हवाले से जान लेते हैं. ये डिफरेंट टर्म्स होती हैं नेटवर्क में, बहुत सारी टर्म्स आपको मिलेंगी, उनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और जितना आप उसको स्टडी करेंगे आपका नॉलेज उतना बढ़ता जाएगा. अच्छा, ये जो अभी हमने पढ़ा कि नेटवर्क होता है उसमें डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, ये जो कम्युनिकेशन आपस में हो रही होती है, इसमें दो तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है. जो आपकी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं वो दो तरह से आपस में कनेक्ट होती हैं. और बेसिकली ये चीज बताने का मकसद भी ये है कि टाइप जिसे हम विजुलाइज़ कम्युनिकेशन पाथ विद दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ डिवाइस टू अनदर फॉर विजुलाइजेशन पर्पसेस इट इज द सिंपलेस्ट टू इमेजिन अ लिंक. तो हम क्या करते हैं कि विजुलाइजेशन के लिए एक लिंक ड्रॉ करते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो कनेक्शन है इसकी टाइप क्या है. और उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. जो आपका कनेक्शन होगा वो पी टू पी भी कहते हैं, इसे पी टू पी पॉइंट टू पॉइंट होता है, या वो मल्टी पॉइंट. A point-to-point connection provides dedicated link between two devices. दो devices के दरमियान अगर एक link है और उसको सिर्फ वही devices use कर रही हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? Point-to-point. The entire capacity of a link is reserved for transmission between those two devices. वो जितना भी link है, वो सिर्फ उन दो devices के लिए. अब ये दो devices अगर हम इनको direct आपस में connect कर रहे हैं, तो ये जो connectivity है, ये सिर्फ यही दो devices आपस में इस्तेमाल करेंगे इस लिंक को. तो इसलिए हम कहते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है. इसकी अगर आप मोस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूज एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर और केबल कनेक्टेड टू द टू एंड्स, बट अदर ऑप्शन सच एज माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स. अगर आप यहाँ से माइक्रोवेव लिंक लें, बेसिकली जो दो टावर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसे माइक्रोवेव के थ्रू होती है. अगर उसके दरमियान में कोई अपोजिशन आ जाए, कोई बीच में कोई बैरियर आ जाए, तो कम्युनिकेशन नहीं होता. ये इसी तरह है जैसे रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड काम कर रहा होता है, कि अगर आप रिमोट जो है वो टीवी की तरफ करते हैं और उसके दरमियान अगर आप कोई चीज रख दें तो वो आपका काम नहीं कर रहा था. क्यों? बीच में इंफ्रारेड में आप जो उसके इंफ्रारेड रेज है उनको आपने स्टॉप कर दिया. ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होती है जो सिर्फ दो डिवाइसेस के दरमियान किसी न किसी मीडियम के थ्रू वो हो रही होंगी. ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी मल्टी पॉइंट. मल्टी पॉइंट कनेक्शन इज वन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइसेस शेयर अ सिंगल लिंक. एक लिंक है और उसको डिफरेंट डिवाइसेस शेयर कर रही हैं, तो ये हमारा मल्टी पॉइंट कहलाता है. जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में मेन फ्रेम या फ्रेम कंप्यूटर पढ़े होंगे, उनके आगे डिफरेंट लगे होते हैं टर्मिनल्स, वो एक ही जगह से उस टर्मिनल्स के थ्रू इसी एक लिंक से ही इसको एक्सेस किया जा रहा होता है. मेन आपकी प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही होती है लेकिन डिफरेंट टर्मिनल्स काम कर रहे होते हैं और वो एक ही लिंक के साथ जा रहे होते हैं. इसके एक और एग्जाम्पल जो हमारे गुरु में केबल लगी होती है, वो केबल एक ही जगह से आ रही है, ठीक है, और वहां उस पर जो सिग्नल आ रहा है या उस पर जो डेटा आ रहा है वो वन डायरेक्शन वो इसी पे आ रहा है और ये सब कुछ आ रहा है. तो ये क्या है? मल्टी पॉइंट, एक से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वो कम्युनिकेशन हो रही है. इस डायग्राम में अगर देखें तो ये जो डिवाइस है, अगर ये आपस में कम्युनिकेट भी करना चाहती है तो ये एक ही लिंक लेंगी जिसपे ये आपस में कम्युनिकेशन कर रही है, तो ये मल्टी पॉइंट कहलाता है. तो एक होता है पॉइंट टू पॉइंट और एक होता है मल्टीपॉइंट. अब एक नेटवर्किंग के अंदर जो सबसे बुनियादी चीज है वो उसको पढ़ते हैं, वो है जी फिजिकल टोपोलॉजी. ये टर्म आप बहुत ज्यादा नेटवर्किंग के अंदर सुनेंगे और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है. टोपोलॉजी के ऊपर आप आसान लफ्जों में समझना चाहते हैं तो ये डायग्राम
आप अगर आसान लफ्जों में इसको समझें कि जब आप अपने नेटवर्क की डायग्राम बनाते हैं तो वो टोपोलॉजी होती है, इसको कहते हैं जी फिजिकल लेआउट। ठीक है, द टर्म फिजिकल टोपोलॉजी रेफर टू द वे इन विच नेटवर्क इज लेड आउट फिजिकली, जो आपका नेटवर्क फिजिकली कनेक्ट है उसकी डायग्राम बनाना। तो हम आपसे पूछे इसकी टोपोलॉजी क्या है जी, तो आप बताएंगे कि इसमें फ्लॉन टोपोलॉजी यूज हुई है, वो हम आगे पढ़ते हैं क्या है। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, ये चीज क्या कहलाती है, उस पूरे नेटवर्क की जो फिजिकल कनेक्ट है उसको जब आप बनाएंगे एक पेज के ऊपर तो वो उसकी टोपोलॉजी कहलाएगी। द टोपोलॉजी ऑफ अ नेटवर्क इज अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइसेस, जितने भी डिवाइसेस आपके आपके नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उनको कैसे आप ड्रॉ कर रहे हैं, उनमें नोड कौन से हैं, डिवाइसेस कौन सी हैं, ये आपकी टोपोलॉजी कहलाती है। तो जब भी नेटवर्क को बनाया जाता है, अब इसको मजीद अगर आप आगे देखें तो वो क्या है कि जब आप नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो वो आपका इन चार में से कोई एक नेटवर्क होगा। सबसे पहले आ जाती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी डायग्रामेटिकल देख लें कि इसमें, अब ये देखें डायग्रामेटिकली हमने इसको बनाया तो फिजिकली भी ये कंप्यूटर्स आपस में इसी तरह कनेक्टेड होंगे। अब मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जब कोई एक डिवाइस नेटवर्क में मौजूद तमाम डिवाइसेस के साथ अलहदा अलहदा सेपरेट लिंक उसका बना हुआ है तो ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है। अगर आपका नेटवर्क इस तरह से डिजाइन है कि उसका हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ एक सेपरेट लिंक के साथ कनेक्ट है, देखिए अगर आप इस कंप्यूटर की बात करें तो अब इसमें क्या है, एक लिंक ये जा रहा है इस डिवाइस के साथ, दूसरा लिंक इस डिवाइस के साथ है, तीसरा लिंक इस डिवाइस के साथ है, तो इस नेटवर्क में मौजूद पांच डिवाइसेस में इस लैपटॉप की हर एक के साथ कनेक्टिविटी मौजूद है। अगर आपका नेटवर्क इस तरह से डिजाइन हुआ हुआ है फिजिकली तो आप इसको डायग्रामेटिकली इस तरह से दिखा रहे तो ये आपकी मैश टोपोलॉजी कहलाती है। इसको जरा देख लें, इसमें कुछ चीजें, इसमें कैसे नंबर ऑफ लिंक्स को हम कैसे कहते, एवरी डिवाइस हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक, भी बात कर रहे थे जो हमने पढ़ा कि अब यहां पर जो लिंक की टाइप है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहलाता है। टू एवरी अदर डिवाइस, हर दूसरी डिवाइस के साथ इसका क्या है, point to point link है। The term dedicated means that the link carries traffic only between two devices. अब dedicated से क्या मुराद होगी कि ये जो link इस्तेमाल हो रहा है ये सिर्फ इन दो devices की communication के लिए है। अब अगर ये जो इसमें nodes इस्तेमाल हो रहे हैं या number of devices इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर वो n हो तो आप number of links कैसे मालूम कर सकते हैं, n minus one के साथ। टोटल अगर आप डिवाइसेस में से निकालना चाहते हैं तो क्या है, आप उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे फुल डुप्लेक्स, अगर आप नोड लिंक्स आप निकालना चाह रहे हैं तो वो होता है n into n minus 1 divided by 2। क्या मतलब कि ये नंबर ऑफ नोड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें ये जो डायग्राम है इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब 5 into 5 minus 1 divided by 2, बिल्कुल 5, 4 हो गया और 5 हो गया 20, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, 10। अब ये जो अगर आप नंबर ऑफ लिंक्स गिने तो कितने बनते हैं, 1, ये 3 ये हो गए इस तरह से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये नंबर ऑफ लिंक्स जो बनेंगे ये 10 इस तरह से बन जाएंगे। अच्छा, इसमें अगर आप देखें जो डिसएडवांटेज है आमतौर पर ये कहाँ पर होती है, आपको ये इस तरह की टोपोलॉजी लेन में नहीं मिलेगी। अ मैश ऑफर सेवरल इंटरफेसेस ओवर द नेटवर्क टोपोलॉजी, फर्स्ट द यूज ऑफ डेडिकेटेड लिंक गारंटीज दैट ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड। सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपकी रिलायबिलिटी देखें कि किस हद तक है और रोबस्टनेस कितनी है। ठीक है, अब ये डिवाइस है इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी देखिए यहाँ से डायरेक्ट हो रही है, बीच में कोई दूसरा लिंक नहीं है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, जितनी इसकी पोर्ट की स्पीड होगी। मसलन अगर आप आम नॉर्मल लैपटॉप की बात करते हो 100 मेगाबिट्स पर सेकंड्स इसकी स्पीड होती है।
अच्छा इसी तरह अगर आप देखें, अगर ये लिंक इसका डाउन हो जाता है, इस टोपोलॉजी में देखिए मिसाल के तौर पर, अगर इसका ये लिंक डाउन हो जाता है तो इसके पास ये रास्ता भी है, यहाँ से इधर आया इस पे चला गया। अब ये लिंक भी डाउन हो जाता है तो यहाँ से इधर आया, इधर से चला गया, इधर से चला गया, तो क्या होता है कि इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैश में क्या होता है कि गारंटी होती है, कनेक्शन अगर आपका एक डाउन भी हो जाता है तो दूसरा उसको अप करके, क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस मस्ट बी शेयर्ड बाय मल्टीपल। सेकंड, मैश टोपोलॉजी इज रोबस्ट, ठीक है। इफ वन लिंक बिकम्स अनयूजेबल, इट डज नॉट एक्सपेक्ट इन कैपेसिटेट द एंटायर सिस्टम। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम को खत्म नहीं करेगा, सिस्टम को फेल नहीं करेगा, बल्कि ऑन रहेगा, दूसरी साइड से वो चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। थर्ड, देयर इज एन एडवांटेज ऑफ प्राइवेसी और सिक्योरिटी। दो डिवाइसेस के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, प्राइवेसी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। व्हेन एवरी मैसेज ट्रेवल्स अलोंग अ डेडिकेटेड लाइन ओनली इंटेंडेड रेसिपिएंट सीज इट। अगर वो सिर्फ उसी लाइन से जा रहा है तो कोई दूसरा उसको देख भी नहीं सकेगा, तो ये आपके लिए सिक्योरिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा रोबस्ट भी है और परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी हो जाती है। Finally, point-to-point link make fault identification and fault isolation easy. अब अगर कहीं पे कोई मसला आ रहा है तो आपको पता है इस डिवाइस पे मसला है, तो हर एक का अलग अलग लिंक है, तो सबसे पहले आप उस लिंक से उसको देखना शुरू करेंगे तो वो बड़ा आसानी से आपको, आप उसको उसके फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। अच्छा जी, traffic can be routed toward links with suspected problem. This facility enables the network manager to discover the precise location of the fault and edge and finding its cause and solution. अब चूंकि इसमें सेपरेट लिंक्स होते हैं, उनको ढूंढना, फॉल्ट को ट्रेस करना जरा आसान हो जाता है। But the main disadvantage of mesh are related to the amount of cabling and the number of input output ports. अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आप इसको छोटे लेवल पे करते हैं, ये कहाँ पर होता है बताता हूँ अभी कि ये मैश टोपोलॉजी आपकी कहाँ पर यूज हो रही होती है। अब अगर आप इसको अपने घर में चार कंप्यूटर्स है और उनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, या पांच कंप्यूटर है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक दो तीन चार, हर एक डिवाइस के लिए चार आईओज चाहिए, इनपुट आउटपुट, जहां से आप चार लेन कार्ड चाहिए आपको, वो आप खरीदेंगे। फिर हर रैक के साथ कनेक्टिविटी के लिए आपको चार केबल्स, जितने दो डिवाइसेस पड़ी हुई उतनी की केबल्स चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ केबल्स भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी, और हर एक डिवाइस के लिए आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत ज्यादा, क्या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो है या लेन कार्ड है वो भी आपको बहुत ज्यादा चाहिए। तो आमतौर पर ये लेन में इस्तेमाल नहीं होती। अच्छा, वायरिंग आपको बहुत ज्यादा शेयर, बल्कि वायरिंग इसमें चाहिए होती है, वॉल्स आमतौर पर ये उसमें सपोर्टेड नहीं होती। For those reason, mesh topology usually implemented in a limited fashion. ये कम इस्तेमाल होती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल होती कहाँ पे, एज अ बैकबोन कनेक्टिंग द मेन कंप्यूटर्स ऑफ अ हाइब्रिड नेटवर्क दैट कैन इंक्लूड सेवरल अदर टोपोलॉजीज। बेसिकली ये mesh topology इस्तेमाल होती है बैकबोन पर। अब इसकी मिसाल आप यहाँ से समझे, ये हमारा एक यहाँ समझाता हूँ, शेयर में आता हूँ, व्हाइट बोर्ड अपने पे लेता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अब लेट्स से ये हमारी एक डिवाइस है, इसके साथ हमने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं, ये हमने इसके साथ कंप्यूटर्स कुछ कनेक्ट किए हुए हैं जो आपस में ये कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, अब ये आपस में कम्युनिकेशन हो रही है तो कोई मसला नहीं है। अब यहां से जब कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से होती है, कुछ इधर डिवाइसेस लगे, ये एक नेटवर्क, ये है नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, इधर अब जब इस तरह से है कुछ कनेक्टिविटी, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से एक डिवाइस लगा के इसको यूज कर सकते हैं, इस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देखिए अब जब ये डिवाइस इसके साथ कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना चाह रही है, लेट्स से ये जो डिवाइस है
फेस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाह रही है और ये लिंक डाउन हो गया। ठीक है, अब ये इंटरनल होती है कि बिल्डिंग में है, ये किसी दूसरी शहर में, किसी दूसरी बिल्डिंग में है, ये किसी तीसरे में। तो अब यहाँ पर ये लिंक डाउन हो जाता है तो ये पूरे का पूरा एरिया कट हो जाता है। इसको आप समझ लें, ये कोपरी है, ये मीरपुर है, इसको आप जफराबाद समझ लीजिए। अब एक लिंक के कनेक्शन ये पूरे का पूरा एरिया डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि इसको बैक बोन तसव्वुर किया जाता है। अब यहां पर ये जो लिंक्स होते हैं इनको मैश किया जाता है, यानी कि मैश टोपोलॉजी अप्लाई की जाती है कि हर एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस के साथ मल्टीपल लिंक्स हो, कि एक लिंक डाउन होने की सूरत में कम्युनिकेशन दूसरी साइड से बहाल रहे, ये होता है इसका फायदा और ये बैकबोन पर इस्तेमाल हो चाहिए। ये है जी द कंप्यूटर फाइबर नेटवर्क हाइब्रिड में, जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिलते हैं वहां पर, दैट इंक्लूड सेवरल अदर टोपोलॉजीज। वन प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ मैश टोपोलॉजीज कनेक्शन ऑफ टेलीफोन रीजनल ऑफिसेस इन विच ईच रीजनल ऑफिस नीड्स टू बी कनेक्टेड टू एवरी अदर रीजनल ऑफिस। अब जैसे कोटली की भी हमने एक एग्जाम्पल देखी कि अगर वहां पर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब ये कोटली का एरिया, ये आपस में कम्युनिकेशन इनकी हो रही है, कोई फॉल्ट आता है ये खराब हो गया जाके बंदा ठीक कर देगा, लेकिन अगर यहाँ पर फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए आपको सिटी से आउट, जैसे पिछले दिनों में ये बहुत ज्यादा लैंड स्लाइडिंग हुई तो क्या हुआ था, इंटरनेट जो बैक बोन थी वो डिस्टर्ब हुई थी, उस बैक बोन की वजह से क्या हुआ, पूरे एरिया में इंटरनेट बंद हो गई या आपकी टेलीफोन सर्विस बंद हो गई। जब उस एक केबल को ठीक किया गया तो वो क्या हुआ, इंटरनेट बहाल हो गया। तो बैक बोन पर कोशिश की जाती है मैश टोपोलॉजी को अप्लाई करने की और वहीं पे ये रियल सिनेरियो में वहीं पर। इसके बाद है जी स्टार टोपोलॉजी, जो सबसे ज्यादा इस वक्त टोपोलॉजी आजकल जो इस्तेमाल हो रही है वो स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी ई डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर यूजुअली कॉल्ड हब। अब एक सेंट्रली कंट्रोलर एक डिवाइस होगी जिसको हब कहा जाता है, ये इसके साथ कनेक्ट होती है। अब इसमें क्या होगा, ये एक हब है या स्विच है या राउटर है। अब ये एक डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है, दूसरी भी इसके साथ कनेक्ट है और तीसरी चौथी, और ये आपस में थ्रू हब कम्युनिकेट कर रही है। अगर आपका नेटवर्क इस तरह से बना हुआ है, फिजिकली वो इस तरह से लेआउट है, तो उसकी टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे कि ये स्टार टोपोलॉजी है। इसकी जो शेप है वो स्टार शेप कहलाती है। ठीक है जी, तो इन दिस पे क्या होता है कि द डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर, अच्छा इसमें जो डिवाइसेस या आपस में जो नोड्स हैं आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते बल्कि थ्रू हब कनेक्टेड होंगे, अनलाइक अ मैश टोपोलॉजी। अब अगर मैश होती तो ये इसके साथ कनेक्ट होता, ये फिर अगले के साथ कनेक्ट होता, फिर इसके साथ इसका तीसरा कनेक्शन भी होता, लेकिन क्या हब में क्या होता है, एक सेंट्रल डिवाइस है और सारे उसके साथ कनेक्टेड हैं। अब इस पे कम्युनिकेशन कैसे हो रही है जी, इफ वन डिवाइस वांट टू सेंड डेटा टू अनदर इट सेंड्स द डेटा टू द कंट्रोलर व्हिच देन रिलेज द डेटा टू द अदर कनेक्टेड डिवाइस। अब क्या होगा, अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को भेजना चाहती है तो ये बेसिकली हब को भेजेगी और हब आगे से इसको भेजेगा, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रही है इनके दरमियान, फिर इनके दरमियान भी पॉइंट टू पॉइंट होती है। अब इसका फायदा है लेस स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव देन अ मैश टोपोलॉजी, डेफिनेटली उसमें बहुत ज्यादा केबलिंग, बहुत ज्यादा पोर्ट्स आपको चाहिए होती हैं और केबलिंग बहुत ज्यादा है, इसमें जरा कम है। इन अ स्टार ईच डिवाइस नीड्स ओनली वन लिंक एंड वन इनपुट आउटपुट पोर्ट टू कनेक्ट इट टू एनी नंबर ऑफ अदर्स। अगर आप देखें यहाँ पर कि एक कंप्यूटर तीन कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन बड़ी आसानी से कर सकता है थ्रू डिवाइस, और इसके पास एक ही पोर्ट है, पोर्ट इसके पास एक ही है और ये टीम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। दिस फैक्टर आल्सो मेक्स इट इजी टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, आसान है इसकी, फॉर लेस केबलिंग नीड्स टू बी हाउस्ड एंड एडिशनल मूव्स एंड डिलीशन इन्वॉल्व्स ओनली वन कनेक्शन बिटवीन दैट डिवाइस। अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है, हाँ प्रॉब्लम इसमें ये हो सकता है कि अगर वो आगे आती है कि अगर ये सेंट्रली डिवाइस खराब हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है। बहरहाल
Other advantages include robustness. If one link fails, only that thing is affected. अब robustness भी कि अगर ये link fail होता है, तो बाकी आपस में communication चलती रहेगी, उसपे कोई असर नहीं पड़ेगा. सिर्फ ये link इसको check किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा. ठीक है. अब disadvantage जो इसके big disadvantage start बोलूँ, dependency of a whole topology on a one single point. जो भी आपको बता रहा था कि इसका सिर्फ एक ही मसला होता है कि अगर सेंटर वाली डिवाइस है उसको हमें अप रखना होता है. बार सूरत ये अच्छी से अच्छी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है. जो सेंट्रल डिवाइस होगी उसको अगर आप दे रहे हैं बैकअप दे रहे हैं लाइट का, तो वो आप मल्टीपल बैकअप उसको दिया जाता है, इसको अप रखने की कोशिश की जाती है और उस पर अच्छी डिवाइस यूज की जाती है जो ज्यादा से ज्यादा देर अप रहे. आज स्टार रिक्वायर्स अ फॉललेस केबल देन अ मैश. ईच नोड मस्ट बी लिंक्ड टू अ सेंट्रल हब. फॉर दिस रीजन often more cabling is required in a star than in some other topologies. अगर हम bus topology या ring topology अब आगे आ रही है, उससे बहरहाल इसमें केबल थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल होती है. मजीद इसको लेटर डिस्कस किया जाएगा. bus topology अगर जो तीसरी है, पहली हमने पढ़ी mesh, दूसरी star जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल, तीसरी थी bus topology. अभी तक जो हमने पढ़ी थी वो पॉइंट टू पॉइंट था, ये मल्टी पॉइंट आ जाती है. अब इसमें क्या है, bus topology on the other hand is a multi point. One long cable acts as a backbone to link all the devices. अब इसमें एक केबल होगी, उसके साथ देखिएगा थ्रू टैप ये एक लिंक ड्रॉप हुआ, यहाँ पे लिंक ड्रॉप हुआ. अब ये डिवाइस अगर कम्युनिकेट करना चाह रही है इसके साथ, तो ये यही मीडिया इस्तेमाल कर, तो ये क्या है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट. अब इसमें से पैकेट जो जाता है वो इसपे भी ड्रॉप होगा और इसपे भी ड्रॉप होगा, और ये उसके साथ आईपी मैच करेगा. जिसका आईपी मैच करेगा वो रख लेगा, दूसरा उसको ड्रॉप कर देगा. इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है, ये आगे टर्म्स हम पढ़ेंगे तफसील के साथ. तो ये क्या होता है, इसमें हमारे पास मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन है. नोड्स आर कनेक्टेड टू अ बस केबल बाय ड्रॉप लाइंस एंड टैप्स. अ ड्रॉप लाइन इज अ कनेक्टिंग रनिंग बिटवीन द डिवाइसेस एंड द मेन केबल. अ टैप इज अ कनेक्टर दैट आइदर स्प्लाइस, जिसको आप स्प्लाइस करते हैं इसके अंदर. ठीक है. अ सिंगल एज अ सिंगल ट्रेवल. अब इसमें एक और इश्यू भी आ सकता है, अगर इसकी केबल कहीं से भी कट हो जाती है तो पूरे का पूरा आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है. आगे चलते हैं जी. एडवांटेजेस ऑफ अ बस टोपोलॉजी इंक्लूड इजी ऑफ इंस्टॉलेशन है. बैकबोन केबल कैन बी लेड अलोंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ. अब इसमें क्या होता है कि चूंकि एडवांटेज की एक है कि आपकी जो केबल है वो एक ही लगेगी. ज्यादा स्टार टोपोलॉजी में आपने देखा था कि बहुत ज्यादा केबल इस्तेमाल होती है. इसकी मिसाल आप समझ रहे हैं कि आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है, केबल आ रही है पीछे से एक ही और आगे ड्रॉप हो रही है. अब यहाँ से अगर उस स्टेशन तक सारी केबल जाना शुरू कर दे तो कितनी ज्यादा केबल इस्तेमाल होगी. तो ये इसका एक एडवांटेज है कि इसमें केबल बस कम लगती है. डिसएडवांटेज इसका ये है कि फॉल्ट आइसोलेशन इसमें जरा मुश्किल हो जाती है कि कहाँ से खराबी आई है, पूरे नेटवर्क में एक ही केबल जा रही है. बस इज यूजुअली डिजाइन टू ऑप्टिमल एफिशिएंसी. इट कैन बी देयरफॉर डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइस. अब इसमें जब आपको कहीं पर न्यू डिवाइस ऐड करना चाहे तो ये जरा मुश्किल हो जाता है. जबकि स्टार टोपोलॉजी में क्या है, अगर आपकी सेंट्रल डिवाइस में कोई पोर्ट मौजूद है तो जस्ट आप उसके साथ कनेक्ट कर देंगे. जबकि इसके लिए जब आप इसमें कोई ऐड करेंगे बीच में चीजें, तो आपकी कम्युनिकेशन ब्रेक होगी. उसके बाद आ जाती है जी रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी भी ये बस की तरह की होती है, लेकिन क्या है कि इसमें एक डिवाइस अगली डिवाइस से कनेक्ट होगी, एक ही मीडियम होगा लाइक बस जैसी होती है. इन अ रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन विद ओनली द टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड. अब इसमें ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है. अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये डिवाइस तो दो के साथ कनेक्ट है ना, इसके साथ भी कनेक्ट है और इसके साथ भी कनेक्ट है. इसी तरह ये डिवाइस इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ. फिर पॉइंट टू पॉइंट कैसे है, इसलिए कि इसमें जो डेटा ट्रेवल कर रहा होता है वो वन डायरेक्शन में होता है. अ सिग्नल इज पास्ड अलोंग द रिंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम डिवाइस टू डिवाइस अंटिल इट रीच इट्स डेस्टिनेशन. अब ये लेट्स से ये पीसी वन है, ये पीसी टू, ये पीसी थ्री, ये पीसी फोर. अब पीसी वन ने पीसी फोर पे कोई चीज भेजी है तो वो पहले जाएगी किसके पास, पीसी वन से यहां से निकलेगा, हाँ जी आप पीसी फोर हो, ये कहा कहेगा नहीं, आगे चला जाएगा, हाँ जी आप पीसी फोर हो, कहेगा नहीं मैं नहीं हूँ, इस पे चला, हाँ जी आप पीसी फोर हो, हाँ जी मैं हूँ. ये सिग्नल, वो जो डेटा है वो अपने पास रख लेंगे. तो इस तरह से जो सिग्नल है
वो एक रिंग की शक्ल में एक डायरेक्शन में फैलता है, सारी वो मूव कर रहा होता है। ई डिवाइस रिंग इनकॉर्पोरेट्स अ रिपीटर। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है जो डेटा जो बस में नहीं थी, कि इसमें क्या होता है कि जब एक सिग्नल, चूंकि एनर्जी डिजोल्व कर रहा होता है, वो यहाँ पर जब पहुंचता है तो वो थोड़ा वीक हो गया होता है, और यहाँ से ये जो डिवाइस है ये एज अ रिपीटर उसको दोबारा से बूस्ट करती है और वो सिग्नल अगली डिवाइस तक पहुंचता है। ये उसको फिर तो रिपीट करते उसको बूस्ट करती है, तो ये एज अ रिपीटर भी काम कर रहा होता है। बस डिवाइसेस में अगर आप बस टोपोलॉजी में देखें तो सिग्नल जो जो केबल हमारी लगी होती है ऊपर, हमारे एक बूस्टर लगा होता है, उसका मकसद क्या होता है, रिपीटर वो होता है कि वो एक जब सिग्नल ट्रेवल करता है, केबल ऑफिस से निकलता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होना शुरू हो जाता है, और वो मखसूस लेंथ तक जब वीक होता है तो वह उससे पहले पहले रिपीटर लगा दिया जाता है ताकि वो उसको दोबारा से सिग्नल को बूस्ट करे वो आगे। तो रिंग टोपोलॉजी में ये जो डिवाइस है ये बूस्टर का काम भी कर रही होती है। A ring is a relatively easy to install and configure. Each device is linked to only its immediate neighbors. To add or delete a device requires changing only two connections. Maybe the only constants are media and traffic consideration. अच्छा, इसमें जो आपकी है मीडिया और ट्रैफिक, उस पे कितनी फ्लो कर रही है, होता क्या है इसमें, इफ वन डिवाइस डज नॉट रिसीव अ सिग्नल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड इट कैन इश्यू एन अलार्म द अलार्म। अब इसमें ये जो इसको जो ट्रबल शूटिंग इसके आसान इस तरह से होती है कि हर वक्त इसमें एक प्रोटोकॉल है, बाकी पढ़ेंगे टोकन रिंग, वो इसमें हर वक्त मूव करता रहता है। ठीक है, वो पहले हर वक्त वो मूव करता रहता है, अगर वो कहीं पर नहीं पहुंचता उस स्पेसिफाइड टाइम में जो इसके लिए टाइम मुख्तस किया गया है, वो उसको वेट करता है कि अगर उस वक्त तक वो ना पहुंचे तो ये एक अलार्म जनरेट करेगी कि सिग्नल वहां से नहीं आ रहा। तो इट मींस कि इनके डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पर से उसको फिर ट्रबल शूट कर लिया जाता है। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कैन बी डिसएडवांटेज, ये किसका डिसएडवांटेज था जो भी आपको बात हुई कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो करेगा। अब इसके ये समझने के डिसएडवांटेज कैसे है कि अब ये PC1 है और ये PC6 है, तो अब इससे PC6 को भेजना था, तो ये तो इसके बिल्कुल साथ ही कनेक्ट है, लेकिन ये 1, 2, 2, 3, 4, 5 के बाद यहाँ तक पहुंचेगा, ये इन सब के पास वो सिग्नल जाएगा। वो जो मैसेज था कम्युनिकेशन के लिए जो भेजा गया था वो पहले इन सब के पास जाएगा फिर इसके पास पहुंचेगा, क्योंकि ये एक ही यूनिडायरेक्शनल है, इसका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। इसको यहाँ तक खत्म करते हैं जी, आगे देखते हैं। अब नेटवर्क टाइप्स, नेटवर्क टाइप्स में जो टर्म सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो लेन और वैन के, हम ज्यादा टर्म इस्तेमाल करते हैं, पेन भी होती है। लेन से मुराद लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजली प्राइवेटली ओन्ड एंड कनेक्ट सम होस्ट इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। अगर हमने अपने कुछ डिवाइसेस, कुछ कंप्यूटर्स अपने घर में कनेक्ट किए हुए हैं, या एक ऑफिस में किए हुए हैं, या एक बिल्डिंग में किए हुए हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं जी लेन। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है जिसके ऊपर आपने उनको कनेक्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर आपने दो ऑफिस को इकट्ठा करके एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उनके सिस्टम्स को इकट्ठा किया हुआ है, और उसके ऊपर जो प्रिंटर है वो आप शेयर कर रहे हैं, तो वो उसकी नीड सिर्फ इतनी थी। या इंटरनेट आपने एक जगह पे लिया और वो सारा उस लेन पर आप शेयर कर रहे हैं, जैसे घर में होता है इंटरनेट की एक कनेक्टिविटी आपने ली हुई है और सब उसको शेयर कर रहे हैं। अब ये जो शेयरिंग घर के अंदर लोग कर रहे हैं ये लेन है, इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब उसमें क्या, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, अच्छा, लेन कैन बी अ सिंपल एज अ टू पीसीज एंड अ प्रिंटर इन अ समवन्स ऑफ होम और ऑफिस, और इट कैन एक्सटेंड थ्रू आउट अ कंपनी एंड इंक्लूड ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस। आपने यानी कि एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर आपने कुछ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, वो उसकी लेन कहलाती है। आप इसको देखिएगा जरा,
मिसाल के तौर पर आइसोलेटेड, अगर आप इसको थ्रू बस देख रहे हैं या बस टोपोलॉजी में ये आपकी लेन किस तरह से नजर आएगी, और स्टार टोपोलॉजी में आजकल जो है वो स्टार टोपोलॉजी में चल रही है। तो ये अगर आप नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास 8 हैं, ठीक है। अब बस टोपोलॉजी में एक इशू ये भी होता है कि इसमें जो लिमिटेशंस है नंबर ऑफ होस्ट की, तो स्टार टोपोलॉजी डिपेंड करता है कि आपका लिंक किस तरह का है, बीच में इस्तेमाल हो रहा है, तो उस पे ये नंबर ऑफ होस्ट की कोई खास कैद नहीं है। तो इसमें देखिएगा, अगर 8 कंप्यूटर आप कनेक्ट करते हैं बस टोपोलॉजी में, ठीक है, ये पास लिखा भी हुआ है कि पहले ये इस तरह से होती थी, केबल निकली, बीच में ये कनेक्टर्स लगे और ये आपकी लेन बन गई। अब ये सारा एक ही नेटवर्क है, ये एक ही नेटवर्क है, बताता हूँ आगे। इसी तरह अब ये लेन है, तो ये लेन अगर आप आज कल अगर आप देखें तो सेंट्रल एक डिवाइस लगी होती है हर जगह, आप घर से लेकर ऑफिस जहां पे भी जाते हैं सेंट्रल डिवाइस है और डिफरेंट होस्ट उसके साथ कनेक्ट है। अब यहाँ पे बताया गया कि ये इससे मुराद होस्ट है, ये स्विच को शो कर रही है डायग्राम, ये कैपेबल टैब है, ये केबल एंड है, ये द कॉमन केबल है, ये कनेक्शन। तो ये क्या है, ये आजकल जो लेन है वो कुछ इस तरह से होगी। अब ये एक नेटवर्क को दिखाया गया है। अच्छा जी, अब वैन से क्या मुराद है? वाइड एरिया इज आल्सो एन इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन, हाउएवर देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन लेन एंड वैन। अ लेन इज नॉर्मली लिमिटेड इन साइज, स्पेनिंग एन ऑफिस और बिल्डिंग और कैंपस में मुश्तमिल होती है, जबकि वैन इज अ वाइडर जियोग्राफिकल स्पेन। ये आपकी बिटवीन टू स्टेट्स हो सकता है, कंट्री हो सकता है, इवन इन द वर्ल्ड हो सकता है। जब आपका एक नेटवर्क एक शहर एक मुल्क में है और दूसरा नेटवर्क किसी दूसरे मुल्क में है, अब इनकी आप आपस में कम्युनिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये जो बीच में लिंक होगा इसके हम वैन लिखते हैं, ठीक है। अ वैन इज नॉर्मल क्रिएटेड एंड रन बाय कम्युनिकेशन कंपनीज एंड लीज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इट। अब इस पे कम्युनिकेशन के लिए, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मेरा एक ऑफिस यहाँ कोटी में और दूसरा ऑफिस लंदन में है, तो मैं अगर इनको मिलाना चाह रहा हूँ, आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से वहां तक तो केबल नहीं डालूंगा। लेकिन जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो रही है, SCO है, PTCL है, और ये हम इनसे फिर लाइंस लेंगे और वो जो लिंक हमें देंगे वो वाइड एरिया वैन लिंक कहलाता है। अब जो नेटवर्क बनेगा उसे हम वैन कहेंगे। A point-to-point WAN is a network that connects two communication devices through a transmission media. We will see example of WAN when discuss how to connect networks. Ji, figure dekhte hain aage. Chalo jaldi se. Ab yahan pe dekhiyega. Ye ek network is taraf chal raha hai. Ye aage different devices connect hain. Aur ye ek kahin dusre dusri state mein hai. To inke darmiyan ye kya hai? WAN connection hai. Aur is sare ko hum kya kahenge ji? वैन नेटवर्क। अब स्विच्ड वैन से क्या मुराद होती है? अ स्विच्ड वैन इज अ नेटवर्क विद मोर देन टू एंड्स। अ स्विच्ड वैन एज वी विल सी शॉर्टली इज यूज्ड इन द बैकबोन ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन टुडे। वी कैन से दैट अ स्विच्ड वैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वैन दैट आर कनेक्टेड बाय स्विचेस। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये एक नेटवर्क इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, एक नेटवर्क इधर चल रहे हैं, इधर चल रहा है। अब ये डिफरेंट कंट्रीज आप इसको तस्वर कर लें, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, यूके, इंडिया, बांग्लादेश, डिफरेंट चाइना, ये डिफरेंट कंट्रीज आगे पीछे आगे। अब ये सारे जब मिलकर एक नेटवर्क बना रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? वैन, वाइड एरिया। जब नेटवर्क आपका इस तरह से फैल जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका वैन। तो ये जो स्विच इस्तेमाल हो रही है कौन से, इन पे ये स्विच किसी दूसरे वैन स्विच के साथ कनेक्ट है, तो इसके दरमियान डेफिनेटली केबलिंग यहाँ से आपको, मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया था कि कम्युनिकेशन यहाँ से कैसे पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट है थ्रू वायर। इंटरनेटवर्क से क्या मतलब? टुडे इट इज अ वेरी रेयर टू सी लेन और वैन इन आइसोलेशन। अब ये सारा मिक्स हो चुका हुआ है, गड़बड़ हो चुका हुआ है। दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर व्हेन टू और मोर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड, दे मेक एन इंटरनेटवर्क। जब एक से दो डिफरेंट नेटवर्क आपस में मिलते हैं तो ये क्या होता है? इंटरनेटवर्क। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि ये बैंक्स ATM मशीन आप डालते हैं और उस पे सारे बैंक आपस में कनेक्ट हैं, तो ये क्या है? इन बैंक्स का आपस में इंटरनेटवर्क है, तो ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। इसी तरह नादरा ऑफिस
अगर किसी बैंक के साथ उसी कनेक्टिविटी, तो ये क्या है, ये जो दो डिफरेंट नेटवर्क है इसको आप ये समझ लें कि जो वेस्ट दिखाया हुआ वेस्ट ऑफिस है और ये ईस्ट ऑफिस है दिखाया हुआ, इसको आप एक मिनट के लिए ऐसे समझ लें कि ये क्या है, ये एक कंपनी है उसका एक वेस्ट ऑफिस दिखाया गया, एक ईस्ट ऑफिस दिखाया गया है। अब ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटर नेटवर्क हो रहा है। एन एग्जाम्पल एज्यूम द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू ऑफिसेस, वन ऑन द ईस्ट एंड अदर ऑन द वेस्ट। तो ये क्या हो रहा है, जब वो आपस में ये लेन और ये लेन थ्रू राउटर्स थ्रू वैन मिल रही है, तो ये क्या बन रहा है, इंटरनेट वर्क। ठीक है, अब ये सिर्फ आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, इंटरनेट वर्क कहलाता है। अब स्विचिंग को जरा देख लें, ये भी टर्म है। इंटरनेट इज अ स्विच नेटवर्क इन विच स्विच कनेक्ट्स एट लीस्ट टू लिंक्स टुगेदर। अ स्विच नीड्स फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम अ नेटवर्क टू अनदर। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जा रही है ट्रैफिक, अभी आपने देखी है वो किस तरह से आपस में कनेक्टिविटी है। अब ये जो नेटवर्क है ये दो तरह के नेटवर्क चल रहे हैं, एक है जी सर्किट स्विच्ड और एक है डेटा पैकेट स्विच। ठीक है जी, पैकेट स्विच नेटवर्क, एक है सर्किट स्विच नेटवर्क, एक है पैकेट स्विच नेटवर्क। सर्किट स्विच नेटवर्क में अ डेडिकेटेड कनेक्शन कॉल्ड अ सर्किट। अब सर्किट स्विचिंग में क्या होती है कि एंड टू एंड जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो एक डेडिकेटेड लिंक पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, द स्विच कैन ओनली मेक इट एक्टिव और इनएक्टिव, उसे करता है। अभी मैं दिखाता हूँ, वेरी सिंपल स्विच नेटवर्क है ये, जो टेलीफोन नेटवर्क है ये बड़ा। अब यहां से देखिएगा, अब ये टेलीफोन लाइन जब इसको कॉल कर रही है तो ये यहां से यहां तक ये एक पूरी की पूरी लाइन बिजी हो जाती है। इस डायग्राम में जो चीज दिखाई गई है कि यहाँ पर हमारे पास चार टेलीफोन इस तरफ हैं, चार इस तरफ हैं, ये आपस में भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये जो मेन हाई कैपेसिटी लाइन दिखाई गई है ये सिर्फ चार लाइंस को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब जब इसको आप कॉल करेंगे तो ये उस वक्त इस्तेमाल होगा कि जब यहां से यहां तक ये पूरा स्विच जाएगा, इस पे से जब ये कम्युनिकेशन आपकी चलेगी तो ये दो डिवाइसेस एंड टू एंड पूरे का पूरा एक सर्किट बिजी कर लेंगे। ठीक है, वो एक सर्किट बन जाएगा तो उसे क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग या सर्किट स्विचिंग। ठीक है, इसमें क्या, वी यूज टेलीफोन सेट्स इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर्स एज एन एंड सिस्टम बिकॉज सर्किट स्विचिंग वाज अ वेरी कॉमन इन टेलीफोन नेटवर्क्स इन द पास्ट। आर द पार्ट ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क टुडे इज अ पैकेट स्विचिंग। अब तो चूंकि पैकेट स्विचिंग आ गई है, लेकिन पहले जो थी आपकी सर्किट स्विचिंग काम कर रही, जो आपके टेलीफोन लाइन भी सारी सर्किट स्विचिंग पे ही काम कर रहे थे। Four telephones each side are connected to a switch. The switch connects your telephone sets at one side, your telephone set at the other side. The thick line connecting two switches in a high capacity communication line that can handle four voice communications at the same time. एक वक्त में इसमें चार चल सकते हैं। ठीक है जी। Let us look at two cases. In the first case, our telephone sets are busy. Four people at one side are talking with the four people to other side. जब चार लोग बात कर रहे होंगे इस साइड पे और चार इस साइड पे, तो ये आपका लिंक फुल यूज हो रहा है। दूसरे केस में है कि अगर इसमें कोई एक भी बंदा बात नहीं कर रहा तो वो आपका फ्री रहता है, वो आपकी लाइन बिजी हो रही है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एंड्स इज डन इन अ ब्लॉक्स ऑफ डेटा कॉल्ड पैकेट्स। अब ये अगर कोई डेटा यहाँ पर भेजता है तो ये राउटर इसको क्या करेगा, एक ब्लॉक बना के सीक्वेंस में भेजेगा, उसके ऊपर नंबरिंग होगी और हर चीज अपनी अपनी जगह पर जाएगी। लेकिन क्या होता है, ये लिंक एक ही है और उसी पे से सारी चीजें जा रही, कोई सर्किट बिल्ड नहीं होगा। Instead of the continuous communication we see between two telephone sets when they are being used, we see exchange of individual data packets between two computers. This allows us to make the switches functions for both storing and forwarding because a packet is an independent entity that can be stored and sent later. अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आया, let's say ये packet इसने भेजा हुआ था, ये इसने भेजा हुआ था, किसी ने इसको भेजा है, किसी ने इसको भेजा है, तो ये क्या हुआ, क्यू बन रही है और वो बहुत हाई स्पीड के साथ ये पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं कि आपको वो कम्युनिकेशन बिल्कुल सर्किट की तरफ ही हो रही है, लेकिन सर्किट बिल्ड नहीं हो रहा पैकेट्स के साथ ही।
कम्युनिकेशन होंगे। इसके साथ जो पैकेट स्विचिंग जरा जो आजकल जो टेलीफोन लाइन सस्ती हो गई है वो उसकी वजह यही थी कि अब पहले आपने देखा था कि जब चार कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो चार अगर बिजी हो गए तो वो मजीद कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, पांचवा अगर आप उसके साथ टेलीफोन लगाते तो उसके लिए ये आपका हार्डवेयर सपोर्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर क्या है, पांचवा छठा सातवां भी अगर आप लगाएंगे तो वो आपके पैकेट स्विचिंग चलती रहेगी, उसमें कोई मसला नहीं आएगा उस तरह से। अब इंटरनेट आ जाता है लास्ट टॉपिक इसका। एज वी डिस्कस बिफोर द इंटरनेट जो आई से लिखा जाता है, स्मॉल आई से जो हम लिखते हैं, अभी हमने जो इंटरनेटवर्क पढ़ा था कि जब टू और मोर नेटवर्क्स दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर को सब क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, स्मॉल आई से उसको लिखा जाता है। मोस्ट नोटेबल इंटरनेट इज कॉल्ड इंटरनेट, आई से जो बड़ा लिखा जाता है, थाउजेंड्स ऑफ लेन्स जब आपस में कम्युनिकेट होती हैं तो वो क्या कहलाती है, इंटरनेट। आजकल जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं इसमें क्या है, बेशुमार लेन्स लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और बीच में सर्विस प्रोवाइडर हैं जो वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एक कस्टमर नेटवर्क यहाँ पर है, अब ये दुनिया किसी दूसरे कोने में है तो वो थ्रू इंटरनेट क्या है कि ये सारे आपस में कनेक्ट है, सारे के सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। तो ये जो सर्विसेज दे रहे होते हैं कंपनीज हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो बतीन है, जैज ये जो है, मोबाइल लिंक है, टेलीनार, ये सारे क्या है, ये इंटरनेट की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, टेलीफोन नेटवर्क है, और ये क्या है, ISPs भी हैं। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में देखते हैं तो ये क्या है, ISPs भी हैं। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो कोई पहले जो होता था मोडेम होता था, आप टेलीफोन लाइन अगर आपके घर में आ रही होती थी तो आप डायल अप सर्विस के थ्रू उसको कनेक्ट करते थे, तो वो कोई ना कोई ISP आपको देता था। जैसे शुरू शुरू में यहाँ पे जब टोटली में आया तो यहाँ पे वुलर नेट के नाम से था, ठीक है, तो वो एक नंबर दे देते थे, हम उस नंबर पे डायल करते थे, बीच में मोडेम इस्तेमाल होता था, पहले इंटरनल मोडेम नहीं होते थे, एक्सटर्नल मोडेम लेना पड़ता था, वो लगा के उसको फिर कनेक्ट किया जाता था टेलीफोन लाइन से, तो वो टेलीफोन कॉल जाती थी उस ISP पे, तो वहां पे हमें इंटरनेट मिलता था। दूसरा तरीकाकार जो आजकल इस्तेमाल हो, DSL है, डेडिकेटेड लाइन हमें एक मिल जाती है और वो इंटरनेट उसके ऊपर, वो बेसिकली टेलीफोन लाइन, अगर आप ये घर में टेलीफोन की लाइन आ रही है उसी के ऊपर आपको DSL मिल रहा होता है। तो उसके अलावा भी आजकल आ चुकी हुई है जैसे ये कश्मीर ब्रॉडबैंड है और ये जो कश्मीर केबल वाले, ये भी टोटली में ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, इनके थ्रू जो है आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। केबल नेटवर्क है जी आजकल चल रहे हैं, ठीक है, यूजिंग वायरलेस नेटवर्क जो भी आपको बताया, एग्जांपल दी जैसे कश्मीर ब्रॉडबैंड वाले दे रहे हैं, केबल्स के थ्रू आ रहा है इस्लामाबाद में, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन टू द इंटरनेट है जी, अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और अ लार्ज कॉर्पोरेशन कैन इटसेल्फ बिकम्स एज अ लोकल ISP एंड बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो इनको चूंकि ये लाइव IP ले लेते हैं और ये एज अ खुद ISP की तरह, चूंकि इनकी कम्युनिकेशन जरा ज्यादा होती है तो ये उसको थ्रू अपनी लाइव IP के थ्रू ये अपनी कम्युनिकेशन कर लेते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं।